दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जब आप एटीएम में जाते हैं और वहाँ पे पैसे निकालते हैं जाके, तो कभी अगर आपको चक्कर आ गया, अगर वहाँ पे आप बेहोश होकर गिर गए, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जब वो विड्रॉल करेंगे रुपए, तो वो उनका क्या होगा? जैसे वो बाहर आ गए तो उनका होता क्या है? तो इस वीडियो में आपको बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे एटीएम से रिलेटेड, कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो उसके बाद होगा क्या। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं आशीष शुक्ला करता हूँ, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी आप जब एटीएम में जाते हैं और पैसे निकालते हैं जाके, और कभी भी अचानक बाई चांस, भगवान न करे, आपके साथ ऐसा कभी हो कि आप विड्रॉल करते हैं और रुपए आपके एटीएम के बाहर आ जाते हैं, और अचानक कोई भी, अगर आपको बीमारी हो, मिर्गी हो, या फिर अगर आपको चक्कर आ जाए और आप वहाँ पे गिर जाएं, तो आपके जो विड्रॉल रुपए होंगे उनका होगा क्या। तो आपको बताना चाहते हैं कि जब ये एटीएम चालू हुए थे, जब इनमें रुपए निकलना चालू हुए थे, तब ये इतने स्मार्ट नहीं थे, लेकिन अब इतने ये स्मार्ट हो गए हैं। और जब ये रुपए एटीएम से निकलेंगे और आप उनको कलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी जब आप एटीएम में रुपए निकालने जाते होंगे, कि टी 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 की एक टोन आती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ सेकंड एटीएम की तरफ से दिए जाते हैं कि आप अपने विड्रॉल किए हुए रुपए कलेक्ट कर लें। अगर आप कलेक्ट नहीं करते हैं तो वो वापस हो जाते हैं और उसी ड्रॉर में जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं, और वहां से इंफॉर्मेशन एटीएम द्वारा ब्रांच को भेज दी जाती है। जैसे कोई भी, या फिर स्टेट बैंक का एटीएम है, या फिर उसका सेंट्रल बैंक का है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है ऑटोमेटिकली, और वहाँ पे ये आपके रुपए, अगर जो विड्रॉल हुए होंगे, वो जाके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं और वो आपको शो करने लगते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए, कि इस समय बहुत ही ज़्यादा चोरियाँ भी होती हैं। आई होप दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो तक, के लिए धन्यवाद। चैन बाय।